वहीं खाद्य और आपूर्ति विभाग की लापरवाही से करोड़ों रुपए का सरकारी गेहूं खराब हो गया। गोदाम में रखे गए गेहूं के कट्टों के वजन में भी शॉर्टेज है। विभाग का अनुमान है कि करीब 1,15,00,000 का गेहूं खराब हुआ है। विभाग के इंस्पेक्टर कपिल जाखड़ को चार्जशीट किया गया है मामले में। तस्वीरें देखने के तरह से गेहूं सड़ा है। 1,15,00,000 से ज्यादा कीमत का गेहूं खराब होने का अनुमान है। समय मौजूद है खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो सैकड़ों कट्टे जो गेहूं के यहाँ लगाए थे विभाग द्वारा ये अब खराब हो चुके हैं। जी हाँ, करोड़ों रुपए का गेहूं विभाग की लापरवाही की वजह से खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। हम आपको दिखाएंगे कि किस क्वालिटी का है अब ये गेहूं, कि क्या ये खाने लायक बचा है। देखिए ये गेहूं अब जो पूरी तरह से सड़ चुका है, ये अब अनाज ना होकर जहर बन चुका है। जहर, ये देखिए किस तरह की स्थिति है इसकी। और यही गेहूं जो है राशन डिपो पर लोगों के लिए भेजा जाना था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहें कि अब ये खाने का अनाज जहर बन चुका है। यहाँ की कट्टों की स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। एक बड़ी लापरवाही है खाद्य पूर्ति विभाग की, उनके अधिकारियों की, कि किस तरह से यहाँ पर अनाज बर्बाद किया गया है। जी हाँ, करोड़ों रुपए का अनाज सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ा है। आप देख सकते हैं ये तमाम वो कट्टे हैं जो बारिश की भेंट चढ़े हैं और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़े हैं। यहाँ पर जो गेहूं है वो बिल्कुल कच्ची जमीन पर लगा दिया गया था। हालांकि विभाग की तरफ से निर्देश होते हैं जो गेहूं का स्टॉक है वो पक्की जमीन पर लगाया जाता है, बाकायदा क्रेट लगाई जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कच्ची जमीन पर विभागीय अनुमति के बिना ये सैकड़ों कट्टे यहाँ लगा दिए जाते हैं और उसके बाद ये गेहूं अब बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर जो इस गोदाम की जिम्मेवारी संभालते हैं उनसे जानेंगे कि क्या वजह रही है, कितना गेहूं कैसे खराब हो गया। क्या नाम है आपका? प्रेम जी, कब से हो आप यहाँ? 2 साल से आप ही देख रेख कर रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति क्यों हुई इसकी? ये नीचे के आधे कट्टे का तो निचले वाला कट्टा तो खराब हो गया। ये होगा, ये तो क्रेट बैठेगी तो पानी लगेगा तो खराब होगा। तो कितने कट्टे खराब हम देख रहे हैं? काफी है, ऊपर भी जो है वो भी कट्टे गेहूं सड़ चुका है सारा। पुरानी थरपाल है, 3 साल की पुरानी थरपाल है, थरपाल फटगी तो पानी थोड़ा बहुत अंदर जाओ। टेप टाप लगाया कभी देखी अपने, थोड़ा बहुत पानी निकल गया, ऊपर कट्टा खराब हो गया। फिर टेप लगाई हमने, सुखाया इसको, फिर दड़ा बना करके वहाँ अलग से छाट दिया। तो ये पूरा जो चट्टा हमने देखा है इसमें तो काला गेहूं है, बदबू है इसमें। कौन से में? ये जो दड़े वाली बात कर रहे हैं आप, इसमें बदबू कहा? एक दो चार कट्टे होंगे। तो ये गेहूं आपको देख लग सकता है ये बचा है खाने लायक? बचा तो नहीं है, ये तो नीचे वाला है, नीचे वाला। ये इसको पशु खा सकते हैं? इसको तो कुछ नहीं खा सकते, कोई नहीं खा सकता। ऐसे कितने कट्टे हैं जो बर्बाद है? ये 10-20 कट्टे हैं जी, ज्यादा नहीं है। नहीं, ये जो निचली आप जो लेयर कह रहे हैं अभी तक तो इसकी सफाई नहीं हुई। देखो जी, यहाँ पे जो कट्टे निचले लग रहे हैं जी वो खराब है, बाकी खराब। ये क्या, ये जो यहाँ ये पड़ा, ये क्या? ये तो मिट्टी पड़ी थी, जो काला दाना था वो अलग छाट दिया। ये देखिए, ये वो गेहूं है, ये गेहूं है। जी हाँ, देखिए ये गेहूं है, सरकारी गोदाम का गेहूं है जो अब शायद राख और जहर बन चुका है। ये यहाँ पर डाला गया है ताकि जो यहाँ लापरवाही बरती गई है उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डाला जा सके, लेकिन ये एक बड़ी लापरवाही है खाद्य पूर्ति विभाग की और यहाँ तैनात रहे अधिकारियों की, कि करोड़ों रुपए का गेहूं जो उनकी कारगुजारियों के चलते बर्बाद हुआ है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज, हरियाणा।